हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे कैबेज रैप्स। ये बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है और आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। सबसे पहले हम फिलिंग के लिए नूडल्स रेडी करेंगे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 2-3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल के गर्म होने पर इसमें स्लाइसेस में कटा हुआ एक प्याज और 5-6 कली लहसुन की लंबाई में काट कर डाल देंगे। अब हम इसे फुल फ्लेम पर 1 मिनट सॉटे करेंगे। हमें इसे सॉफ्ट नहीं करना है, इसका क्रंच रहना चाहिए। अब इसमें स्लाइसेस में कटी हुई एक कैप्सिकम और एक ग्रेटेड गाजर डालकर 2 मिनट सॉटे करेंगे। सब्जियां हमें बिल्कुल क्रंची चाहिए, इसलिए हम इसे ओवरकुक नहीं करेंगे। अब हम इसमें उबले हुए नूडल्स डाल देंगे। आप अपनी चॉइस के कोई भी प्लेन नूडल्स ले सकते हैं और साथ ही 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टीस्पून सॉल्ट डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के लिए इस तरह के स्पून्स यूज करें जो आगे से शार्प ना हो। नूडल्स रेडी हैं, अब हम इसे साइड में रख देंगे और पत्ता गोभी ब्लांच करने के लिए एक पतीले में पानी बॉईल करेंगे और उसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे। अब पत्ता गोभी के पत्ते एक एक करके अलग कर लेंगे और इस उबलते हुए पानी में डाल देंगे। इन्हें स्पून से थोड़ा सा दबाकर पानी में पूरी तरह डिप कर देंगे और इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक ब्लांच करेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। ध्यान रखें कि ये पत्ते टूटे नहीं। इन्हें निकालते वक्त इनका सारा एक्स्ट्रा पानी भी निकाल देंगे। ब्लांच करने के बाद ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून गार्लिक चटनी में 1 टेबलस्पून टमाटो केचप मिक्स करके रखा है। अब एक पत्ता लेकर इस पर थोड़ी सी चटनी स्प्रेड कर देंगे। अब इसमें 1 स्पून नूडल्स डालेंगे और इसे रैप कर देंगे। पत्ते का स्टेम वाला पार्ट अंदर की तरफ रखेंगे, इससे ये खुलेगा नहीं। सारे पत्तों पर चटनी लगाकर सेम इसी तरीके से सारे रैप्स बना लेंगे। Thank you.
सारे रैप्स बनकर रेडी हैं। अब हम एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और गर्म होने पर इसे ब्रश से स्प्रेड कर लेंगे। अब रैप्स को एक एक करके इसमें रख देंगे। अब इस पर थोड़े से सफेद तिल स्प्रिंकल कर देंगे। इनसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और लगभग 1 मिनट के बाद इन्हें पलट देंगे। दूसरी साइड से भी लगभग 1 मिनट या हल्का सा कलर चेंज होने तक सेकेंगे। अब हमारे कैबेज रैप्स बिल्कुल रेडी हैं। हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेम इसी पैन में दूसरे रैप्स रख देंगे। आपको दोबारा ऑयल डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़ा सा तिल स्प्रिंकल करेंगे और इन्हें पलट कर सेक लेंगे। सारे रैप्स इसी तरीके से बनाएंगे। कैबेज रैप्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इन्हें जरूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं ये आपको कैसे लगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।